हरिओम तत्सत। नमस्कार मित्रों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल ज्योतिष ज्ञानी में। आज मैं विशाल शर्मा आज आपके लिए लेकर आया हूँ 8 तारीख से 14 मई का साप्ताहिक राशिफल। क्या विशेषता है, क्या महत्वपूर्ण बातें, क्या महत्वपूर्ण उपाय है, ये सभी जानने के लिए इस वीडियो के अंत तक अवश्य बने रहिएगा। आज मैं आप सभी को बताऊंगा कर्क राशि वालों के लिए 8 मई से 14 मई का साप्ताहिक राशिफल क्या विशेषताएं लेकर आया है। ये सप्ताह आपके लिए कुछ बड़ी बड़ी चीज़ों के लिए, कुछ बड़े निर्णय लेकर आया है, तो जानने के लिए इस वीडियो के अंत तक अवश्य बने रहिएगा। ये जानकारी जो होती है वो चंद्र राशि पर आधारित होती है, सभी महिलाएं पुरुष बच्चों के लिए होती है। हमारे आने वाले कल के बारे में जो जानकारी देता है उसे कहते हैं ज्योतिष, और ज्योतिष को मानने की चीज़ नहीं है, ज्योतिष जानने की चीज़ है। ज्योतिष में विश्वास रखिए अथवा किंतु अंधविश्वास ना रखें, इन चीज़ों से आपको बचना है, अंधविश्वास में नहीं आना है, ठीक है। ज्योतिष के आधार पर आपको आने वाले सप्ताह, आने वाले दिन, आने वाले समय के बारे में जान सकते हैं। तो आज मैं आप सभी को बताऊंगा कि कर्क राशि वालों के लिए सप्ताह कैसा किया जाएगा। अगर आज आपका जन्मदिन है, अगर आपकी शादी की सालगिरह है, तो आपको शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज मैं आप सभी को बताना कर्क राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा किया जाएगा, पूरा सप्ताह कैसा किया जाएगा, उसके बारे में जान लेते हैं। सप्ताह की शुरुआत में परिवार में शांति और सद्भावन का माहौल रहेगा, खुशहाल माहौल रहेगा। कई समय से जो अधिक परेशानियां थी वो समाप्त होगी। स्वयं के लिए कुछ बड़े निर्णय आज आप ले सकते हैं। इंतजार जो कई समय से कुछ इस चीज़ों का कर रहे थे, कई चीज़ों का कोई निर्णय लेने का कर रहे थे, वो आज के दिन आप ले सकते हैं। आपको खुद के लिए पहले वो कार्य करना है, पहले अपने लिए कार्य करें, फिर दूसरों के लिए कार्य करें। पहले अपने बारे में सोचना है, फिर दूसरों के बारे में सोचना है। परिवार में सुख समाचार इस समय प्राप्त होंगे। माता पिता के स्वास्थ्य को समय से जो कोई ना कोई परेशानियाँ थी, कोई ना कोई चिंताएँ बनी थी, वो समाप्त होगी। माता पिता का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, कोई ना कोई परेशानी जो चल रही थी वो समाप्त होगी। आपको डॉक्टर या अस्पताल बदलना पड़ सकता है, अगर उनकी कोई इस समय अगर परेशानियां चल रही थी, आपने इस पहले सप्ताह के पहले कोई ना कोई परेशानी थी, अगर वो हॉस्पिटल में एडमिट है तो कोई नया अस्पताल में बदल के उनके जो ट्रीटमेंट वहाँ पर सही से नहीं हो रहा था वो इस अस्पताल में होगा, उनकी दवा गोली बदली जाएगी, और जो अच्छे से उनके स्वास्थ्य संबंधित जो परेशानी दूर नहीं हो पा रही थी उस सप्ताह आपको दूर होती हुई दिखाई देगी। माता पिता का स्वास्थ्य पूर्ण रूप से सुधरता हुआ दिखेगा। वाहन संबंधी समस्या अवश्य इस सप्ताह आ सकती है, गाड़ी चलाते आप समय आपको थोड़ा सा ध्यान रखना। आपके लिए तनावपूर्ण सप्ताह की शुरुआती दिनों में जा सकता है। सप्ताह के मध्य में संतान की सफलता प्राप्त होती हुई दिखाई दे रही है, खुशी होगी आपको इस चीज़ों से। आप एक अच्छा सलाहकार साबित हो सकते हैं बच्चों के लिए, कोई ना कोई उनको ऐसा ज्ञान आप दे जिनसे उनके जीवन में बढ़ने के आगे के नए रास्ते आपको प्राप्त करा दें उनको। संतान आपकी बात मानेगी, आपकी बात सुनेगी और नए निर्णय ले पाएंगी। माता पिता बच्चे अपनी माता पिता की पूर्ण रूप से बात मानेंगे, आज्ञा का पालन करेंगे, बड़े बुजुर्गों का मान सम्मान रूप से इस समय सम्मान देंगे, और अपनी माता और बच्चों पर आपको विशेष ध्यान रखना है, प्यार रखना है, तभी आपको आगे जाके कोई अच्छा परिणाम नकारात्मक विचारों से और जो मानसिक तनाव है उनसे दूर रह पाएंगे। सप्ताह के मध्य में शेयर बाजार में बड़ा धन लाभ प्राप्त होता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन थोड़ा सा जोखिम भी है। ध्यान रखिएगा, संतान से सुखद भविष्य की योजनाओं के लिए कुछ बड़े फैसले भी लेने पड़ सकते हैं। समय अच्छा चल रहा है, सप्ताह के अंतिम दिनों में वह अधूरे अटके हुए काम भी पूरे होंगे, लेकिन कुछ बरकरार यात्राओं में व्यक्त खर्च होगा, व्यक्त व्यतीत होगा, पैसा खर्च होगा, चिंताएं बढ़ सकती है, इसकी वजह से सेहत में कमजोरी भी आ सकती है। तो यात्राओं में खर्च से बचना है, सप्ताह के अंतिम दिनों में सोच समझ कर ही निवेश करना है। बात करते हैं 8 मई की। आज का दिन आपका तनाव और समस्याओं से मुक्ति दिलाने वाला दिन रहेगा। आप अपने परिवार और मित्रों के साथ समय व्यतीत करें, आनंददायक समय व्यतीत रहेगा। आप किसी पारिवारिक या सामाजिक उत्साह में भाग ले सकते हैं, कोई नया वाहन खरीद सकते हैं, कोई नया मकान भी खरीद सकते हैं। आज का दिन बहुत ही अच्छा है। माता पिता की सेहत को लेकर जो थोड़ी बहुत चिंताएं बनी हुई थी, माता पिता से धन प्राप्त होगा, और माता के स्वास्थ्य में जो पिता और माता के स्वास्थ्य में जो चिंताएं थी वो समाप्त होती हुई दिखाई देगी। आपका संबंध परिवार में जो बहुत समय से कोई ना कोई उनकी बातों से नाराज थे, आपके परिवार वाले आपसे नाराज थे, वो आज के दिन आपके पक्ष में होंगे, पूर्ण रूप से आपको सहयोग प्रदान करेंगे। कार्य क्षेत्र में पूर्ण रूप से अच्छा समय व्यतीत करेंगे। आप इस समय जमा पूंजी में बढ़ेगी, आपकी जो बहुत अधिक समय से जो पैसा रुका हुआ था वो आज के दिन प्राप्त होगा। अब बात करते हैं 9 मई की। आपकी पूर्ण रूप से माता का सहयोग और साथ प्रदान में होगा आज के दिन। आज आपको थोड़ा सा भागा दौड़ी में समय व्यतीत हो सकता है। अपनी जो आपने जो दावे किए थे, जो अधिक समय से जो निर्णय लिए थे वो आज के दिन पूर्ण होते हुए दिखाई देंगे, इसलिए आपको थोड़ा सा घूमना फिरना पड़ना सकता है, भागा दौड़ी करनी पड़ सकती है। आज का दिन आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। आज आपको वक्त
के साथ आपको चलना होगा। आज के दिन कई सारे काम आपके निपटेंगे। आज आप अपने घर की जरूरतों का सामान भी ले सकते हैं, अपने पर्सनल जरूरतों के सामान भी आप अवश्य लेते हैं। परिवार वालों के साथ वक्त बिताएंगे, आपके खर्च थोड़ा सा अधिक बढ़ सकता है। जीवन साथी से रिश्ता अच्छा रहेगा। परिवार में कुछ चर्चाएं ऐसी हो सकती है जिससे आपको अपने परिवार में जो परेशानियां चल रही थी वो समाप्त होगी और नए बदलाव हो सकते हैं। सकारात्मक बदलाव होंगे, नकारात्मक नहीं है। घर में कुछ बड़े बदलाव अवश्य होंगे जो आपके लिए बहुत ही अच्छे रहेंगे। बात करते हैं 10 मई की। बात करते हैं 10 मई की दिन। 10 मई का दिन पूर्ण रूप से सफलतादायक रहेगा। नौकरी करने वालों के लिए अच्छा दिन रहेगा। चाहे जो भी आप इस समय नौकरी में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था वो इस समय समाप्त होती हुई दिखाई देगी। बॉस आपसे जो नाराज थे, आपके सहकर्मी आपके कोई ना कोई परेशानी उत्पन्न कर रहे थे, वो सभी आपके मित्र बन के आपका साथ देंगे। बाहर जाने के योग बनेंगे, बड़ा लाभ प्राप्त हो सकता है। ऑफिस जाकर बड़ा लाभ प्राप्त होगा, ऑफिस में कोई नया बदलाव हो सकता है। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, मन में प्रसन्नता रहेगी, उत्साह से बना हुआ रहेगा। वहीं किसी पारिवारिक सामाजिक कार्य में आप इस समय भाग ले सकते हैं। व्यापार की यात्राएं हो सकती है, व्यापार संबंधित यात्रा होगी जो लाभदायक साबित होगी। खेल कूद परीक्षा प्रतियोगी इंटरव्यू या कंपटीशन में अगर आप हिस्सा लेते हैं तो इस समय बहुत ही अच्छा समय, यादगार सफलतादायक आपको प्राप्त होगी। आपको मान सम्मान भी प्रदान होगा इस समय। 11 मई की बात करते हैं। विद्यार्थी अध्ययन में रुचि देंगे। विद्यार्थी जीवन में कोई अगर सब्जेक्ट इस समय कोई निर्णय नहीं ले पा रहे थे वो इस समय निर्णय लेंगे। कोई अगर इस समय रिजल्ट, विद्यार्थियों का रिजल्ट बहुत ही अच्छा आएगा। अगर कोई परीक्षा दे रहे हैं तो वो भी सफलतादायक रहेगी। व्यापारी लोग व्यापार में आगे बढ़ेंगे। नौकरी में तरक्की के योग बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। आज का दिन पूर्ण रूप से ठीक जाएगा। सट्टेबाजी शेयर मार्केट में धन निवेश अवश्य कर सकते हैं। कोई बड़ा लाभ प्राप्त होगा। स्वास्थ्य संबंधित जो भी चिंताएं थी वो समाप्त होगी। रुका हुआ पैसा प्राप्त होगा। जो मेहनत कर रहे थे जिसका फल नहीं मिल पा रहा था वो आज प्राप्त होगा। भाई बहनों से संबंध अच्छे रहेंगे। पारिवारिक कार्य में कोई शुभ कार्य आज के दिन हो सकता है। मित्रों के माध्यम से कुंवारे लोगों को इस समय रिश्ता प्राप्त हो सकता है। उनके माध्यम से बात पक्की हो सकती है, संबंध जुड़ सकता है। प्रेम संबंध के लिए सबसे अच्छा समय रहेगा। जीवन साथी का दिल रखने के लिए आप कहीं घूमने जा सकते हैं। वहीं पर आपकी पुराने मित्रों से भी मुलाकात हो सकती है और कोई बड़ा लाभ भी वहाँ प्राप्त होता हुआ दिखाई दे रहा है। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। बेकार की यात्रा अवश्य होगी पर वहाँ पर भी आपको लाभ प्राप्त होगा। कोई बड़ी डील इस समय प्राप्त हो सकती है। चिंता बिल्कुल नहीं करनी है। कोई ना कोई बड़े कार्य आपके इस समय इस दिन बनते हुए दिखाई दे। कुल मिलाकर आपका दिन बहुत ही अच्छा रहेगा। सुख संबंधित जो भी आपकी सुख संबंधित कामनाएं जो भी आप कर रहे थे वो इस समय पूर्ण होती दिखे। कुल मिलाकर ये सप्ताह आपके लिए बहुत ही अच्छा जाएगा। आज मैंने आप सभी को बताया कर्क राशि वालों के लिए सप्ताह कैसा किया जाएगा, क्या महत्वपूर्ण बात है, क्या महत्वपूर्ण विशेषता है, सभी मैंने अगर बताई आपको। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और अधिक से लोग तो शेयर करें क्योंकि सारी समस्याओं का संपूर्ण समाधान उन्हें ज्योतिष ज्ञानी प्राप्त हो सके। धन्यवाद। हर समस्या का समाधान वो भी घर बैठे बैठे, हम करेंगे आपकी हर समस्या का समाधान। लव प्रॉब्लम हो या ब्रेकअप प्रॉब्लम, इंटरकास्ट मैरिज प्रॉब्लम हो या मनाना चाहते हैं अपने घर परिवार को, डाइवोर्स प्रॉब्लम हो या पाना चाहते हैं अपना खोया हुआ प्यार, वशीकरण ब्लैक मैजिक या हो आपका प्यार किसी के वश में और पाना चाहते हैं आप उसे वापस, या पाना चाहते हैं छुटकारा अपनी सौतन से, इन सब समस्याओं का समाधान है हमारे पास। आइए संपर्क कीजिए ज्योतिष ज्ञानी विशाल शर्मा जी से। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें हमारा YouTube चैनल ज्योतिष ज्ञानी और संपर्क करें। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 7828912229। धन्यवाद।